धार जिले की सरदारपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम देवगढ़ में निवासरत ग्रामीण आज भी अंधेरे में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। चुनाव के समय भाजपा कांग्रेस के नेता इस गांव में आकर ग्रामीणों को विकास के कई सपने दिखाते आए हैं, जिसमें बिजली लाने का वादा भी रहा है, मगर आज भी यह गांव बिजली के बिना अंधेरे में डूबा हुआ है। ग्रामीणों ने बिजली को लेकर जनप्रतिनिधियों अधिकारियों को भी आवेदन देकर प्रयास किया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। थक हार कर ग्राम देवगढ़ के ग्रामीणों ने जयस संगठन के माध्यम से विद्युत कार्यालय राजौंद में बिजली को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आरम्भ कर दी। आंदोलन को देखते हुए विद्युत विभाग हरकत में आया और भूख हड़ताल कर रहे ग्रामीणों से विभाग के अधिकारी नरेंद्र कुमार शाक्य से चर्चा कर एक सप्ताह में गांव में बिजली सप्लाई करने का आश्वासन दिया और भूख हड़ताल समाप्त करवाई। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट। ये ग्राम पंचायत कचनारा के मजरा देवगढ़ का मामला है, जहाँ पर आज़ादी के बाद 24 घंटे वाली बिजली आज तक दिनांक तक नहीं है। इन ग्रामीणों द्वारा 15/9/2020 को, 28/9/2021 को, 12/10/2021 को कलेक्टर महोदय साहब, सरदारपुर SDM महोदय साहब को आवेदन दिया था और निराकरण हेतु आवेदन सौंपकर मांग की थी, पर आज दिनांक तक ये निराकरण नहीं होने पर हमने जब इस गांव का दौरा किया तो वहां पर देखा 24 घंटे की बिजली आज भी इस गांव में नहीं है और हमारा आदिवासी गरीब परिवार अंधेरे में रहने को मजबूर है। हमने देखा कि बिजली का बिल भी आज दिनांक तक वहाँ पर आ रहा है, मीटर नहीं होने के बाद भी। ये भी कहीं ना कहीं विद्युत विभाग की खामी या भ्रष्टाचार या है और गरीबों को लूटने का प्रयास किया जा रहा है। आज हमने ये ऐलान करते हुए विद्युत कार्यालय राजौंद में भूख हड़ताल, हमारी माता बहन युवा आदिवासी जयेश के साथ भूख हड़ताल शुरू करीब 11 बजे शुरू की थी। 5 घंटे तक भूख हड़ताल करने के बाद यहाँ के स्थानीय जो अधिकारी है उनके द्वारा 7 दिन का, 4 से 5 दिन में बिजली चालू करने का आश्वासन दिया गया और ये उन्होंने आश्वस्त किया कि हम 4 से 6 दिन में बिजली चालू कर देंगे। हमने उनको 7 दिन दिया, 8 दिन में आप बिजली चालू कर देना। ये आश्वासन देने के बाद जो अधिकारी हैं यहाँ के, उन्होंने माता बहन युवा साथियों को केले खिलाकर भूख हड़ताल समाप्त कराई है और ये निराकरण अगर नहीं होता है तो 8वें और 9वें दिन हमारा रहेगा। ये भूख हड़ताल कलेक्टर महोदय के कार्यालय में हमारे द्वारा, देवगढ़ के आदिवासी समाज द्वारा, जय संगठन द्वारा की जाएगी। और वही आपका कहना है कि जब आपके घरों में मीटर नहीं लगे हैं उसके बाद भी बिजली बिल आ रहे हैं, इसका हम जल्द ही विद्युत कार्यालय जो तहसील कार्यालय राजगढ़ है उसमें RTI दर्ज करेंगे, RTI दर्ज करके जवाब मांगेंगे और जो भ्रष्टाचार ये बिल के माध्यम से जिन लोगों ने भी किया है उसको पूरा उजागर करवाएंगे और कोर्ट तक जाने तक की हम तैयारी करेंगे और शिकायत इसकी आगे भी करेंगे। राजेंद्र सिंह गामड़, जयेश तहसील अध्यक्ष, सरदारपुर, जिला धार, मध्य प्रदेश। इन लोगों के गांव में जब से देश आज़ाद हुआ है जब से 24 घंटे की लाइन नहीं है, तो इनको 24 घंटे गांव में लाइन चाहिए, इसलिए इन्होंने भूख हड़ताल करी थी। आपने ध्यान क्यों दिया देश आज़ाद हुआ है? देखो, जब ये प्रधानमंत्री जी की योजना चालू हुई थी हर घर बिजली, जब इनके गाँव में 24 घंटे की लाइन हो रही थी तो कुछ वन विभाग की कुछ आपत्तियाँ थी, इस कारण वो काम अधूरा छोड़ कर ठेकेदार भाग गया है। अभी आश्वासन ये है, सरपंच साहब का कहना है कि मैं अपने खर्चे पे इन लोगों को जो भी 8-10 पोल लग रहे हैं उनकी खड़ी करवा के 24 घंटे की लाइन इनके गांव में पहुंचा देंगे और थोड़ा सा सहयोग डिपार्टमेंट का भी रहेगा, बाकी सरपंच साहब का सहयोग रहेगा। सर, इनका आरोप ये भी है कि जब हमारे यहाँ पर मीटर नहीं लगे हुए हैं उसके बाद सर्वे नंबर के आधार पर हमारा बिल आ रहे हैं, तो सर किस आधार पर? जब हर घर में 24 घंटे लाइन नहीं थी, जब कि उसके पहले के बिल चालू हुए, जब आप लोगों के घरों में भी 24 घंटे लाइन नहीं थी, तब से सब पहले क्या है, सिंचाई के फीडर सभी कॉमन थे, उनसे ही सप्लाई चलती थी हर गांव में, जो भी 8 घंटे 10 घंटे कटौती होती थी उसके पहले के इनके बिल हैं, तो इनके गांव में 24 घंटे लाइन नहीं हो पाई है और बाकी गाँव में 24 घंटे लाइन हो गई है, इसलिए बिल इनके पुराने हैं और वो पुराने ही बिल आ रहे हैं। अभी 100 रुपया का इनका बिल आ रहा है महीने का। तो सर, जो इनका जो पुराने जो बिल है इनमें इनमें अपन कुछ नहीं कर सकते हैं, 100 रुपये का महीने का बिल है और इनने कई महीनों से बिल जमा नहीं करे हैं, इस कारण इनके बिल बड़े हुए अभी आप लोगों को दिख रहे हैं। सर, इसमें कब तक निराकरण हो जाएगा? अभी सरपंच साहब ने कल से बोला है काम चालू करवा देंगे, जो भी डिपार्टमेंट की फॉर्मेलिटी है वो मैं पूरी करके सरपंच साहब को दे दूंगा और उसके बाद सरपंच साहब व्यवस्था करेंगे, कुछ मैं मदद कर दूंगा, उसके बाद इनको 7 से 8 दिन में 24 घंटे की लाइन मिल जाएगी। अच्छा, मेरी एक दो ग्रामीणों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो मजदूर है और अंधेरे में है, ठीक है,
और कुछ किसान जो खेत की लाइट से लाइट लेके चला रहे हैं, तो उन्होंने उनका बिल भर दिया, उसके बाद भी बिल 1600 रुपये का आया हुआ है। नहीं, वो तो आपने अभी बिल भर दिया, लेकिन पुराना बकाया भी भर दिया। नहीं, पुराना अगर आप भर दोगे तो अगले महीने जो बिल आएगा वो 100-150 रुपए के आएगा। उनके पास साक्षी रूप में बिल है, आप बता रहे 100 रुपए का, और वो बता रहे 1600 रुपए। तो वो तो 1600 का ये है कि आपने कई महीनों से बिल नहीं भरा है, वो वर्तमान का बता रहे हैं। एक महीने का 1600 रुपया बिल किसी का नहीं आ सकता। अभी मेरी बार बातचीत हुई, आप मुझे बिल दिखवा दो, बिल की फोटोकॉपी बुला रहे हैं, वो आपके सामने, वो मेरे सामने दिखाओ मुझे, ऐसा तो वैसे कोई बिल नहीं। बाकी जितने भी SLP कनेक्शन है किसी का बिल 100 रुपया से ज़्यादा नहीं आ रहा है। बाकी और भी मजरे टोले हैं मेरे पास, उनमें किसी में भी बिल